हेलो स्टूडेंट यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ माय नेम इज़ गोविंद सैनी स्टूडेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा बीटेक थर्ड सेमेस्टर का हमारा थर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट चल रहा है जो हमारा फर्स्ट यूनिट चल रही है ठीक है और इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे सिस्टम क्या होते हैं उनके प्रोसेस क्या होते हैं उसके अलावा हमने गैसेस के बारे में डिस्कस किया कि हमारी कौन कौन सी गैसेस होती हैं और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा कौन कौन से न्यूमेरिकल्स वगैरह की उनकी प्रैक्टिस कराई थी ठीक है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो थ्लो ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में कि हमारा जीरो थ्लो ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है ठीक है किसके ऊपर डिपेंड होता है आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ओके okay, स्टूडेंट चलो हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स जीरो थ्लो के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स जीरो थ्लो होता क्या है ठीक है तो थर्मोडाइनेमिक्स का जो जीरो तो थ्लो होता है वो ये कहता है कि कोई भी कोई भी सिस्टम है अगर वो सिस्टम उसके साइड में एक और सिस्टम रखा है और दोनों सिस्टम कैसे हो इक्विब्रियम में हो थर्मल इक्विब्रियम में हो तो देन द बॉडी सी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विब्रियम कहने का मतलब क्या है कि जीरो थ्रो ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स इज इट स्टेट डेट द वैन ए बॉडी इज इन थर्मल इक्विबिरियम विद बॉडी बी ठीक है कहने का मतलब एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है दोनों एक साथ कैसे हैं थर्मल इक्विब्रियम में है ठीक है देन बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विबिरियम विद बॉडी सी और एक और बॉडी सी है जो बी के साथ थर्मल इक्विबिरियम में है देन द बॉडी बी इज देन द बॉडी सी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विब्रियम विद बॉडी ए तो कहने का मतलब क्या है अगर कोई बॉडी मेरी ए और बी दोनों आपस में कैसी हैं थर्मल इक्विब्रियम में है और बॉडी बी और बॉडी सी दोनों आपस में कैसी हैं थर्मल इक्विब्रियम में है देन द बॉडी सी एंड बॉडी ए

जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ठीक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अब जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स होता क्या है क्या होता है ठीक है जैसे कि मैंने बताया था वैन ए बॉडी वैन ए बॉडी वैन ए बॉडी इज इन थर्मल इक्ुब्रियम थर्मल इक्लिब्रियम विद बॉडी ठीक है वैन ए बॉडी ए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वैन ए बॉडी ए ठीक है इज इन थर्मल इक्विब्रियम विद बॉडी विद इसको विद ए बॉडी विद ए बॉडी कौन सी बी ठीक है वैन ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विब्रियम विद बॉडी ए बी एंड बॉडी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्लिब्रियम थर्मल इक्लिब्रियम विद ए बॉडी सी ठीक है देन द बॉडी सी इज ऑल्सो थर्मल इक्लिब्रियम थर्मल इक्लिब्रियम विद बॉडी ए ठीक है अब इसको समझते हैं कि डायग्राम से कि हमारा कैसे डायग्राम के हम इसके इसके द्वारा हम इसको समझते हैं ठीक है, है? डायग्राम के द्वारा हम इसको समझते हैं कि डायग्राम से कैसे हम इसको बनाते हैं ठीक है तो देखिए मान लीजिए कोई भी मेरी एक बॉडी है मान लीजिए कोई भी मेरी एक बॉडी है एक बॉडी ये है जिसको मैंने मान लिया बॉडी ए ठीक है बॉडी बॉडी मेरी इधर है एक बॉडी मेरी इधर है कोई भी सिस्टम है कोई भी चीज है कोई भी बॉडी है कोई भी ऑब्जेक्ट है एक बॉडी मेरी ये है बी ठीक है उसको मैंने बॉडी बी मान लिया और एक बॉडी मेरी है बॉडी मेरी है सी एक बॉडी कौन सी है सी है एक बॉडी है सी अब क्या कह रहा है जीरोथ लॉ क्या कह रहा है कि जीरोथ लॉ ये कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी व्हेन बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्लिब्रियम इज इन थर्मल इक्लिब्रियम विद बॉडी सी ठीक है बॉडी एज इन थर्मल इक्लिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्वियम विद बॉडी सी देन द बॉडी सी इज इन थर्मल इक्विबरियम विद बॉडी ए ठीक है थर्मल इक्लिब्रियम थर्मल इक्विब्रियम ठीक है तो कहने का मतलब क्या है जब मेरी बॉडी ए बॉडी बी के साथ कैसी है थर्मल इक्विब्रियम में अब समझो थर्मल इक्विब्रियम होता क्या है कहने का मतलब क्या है जब बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर समान है दोनों बॉडी का टेम्परेचर कैसा है समान है अब बॉडी बी का टेम्परेचर बॉडी सी के साथ समान है ठीक है बॉडी बी का टेम्परेचर बॉडी सी के साथ समान है तो बॉडी सी का टेम्परेचर बॉडी ए के साथ समान होगा या नहीं होगा अब मान लीजिए कि हमारा कोई मैं अब इसके पास दस रुपए हैं इसके पास भी दस रुपए हैं तो इसके पास कितने होंगे जब ये इसके पास भी मतलब ये इसका भैया है ये इसका भैया है ये इसका भैया है ये इसका भैया है तो सी ए का भैया होगा ही नहीं होगा होगा ऑफिसली, तो इसी कहने का मतलब ये है कि जब मेरी बॉडी ए एक थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी बी के साथ और बॉडी बी थर्मल इक्विबियम थर्मल में है विद बॉडी सी के साथ फिर मेरी जो बॉडी सी है वो मेरी बॉडी ए के साथ थर्मल इक्ब्रियम में ही होगी यही मेरा क्या है जीरो थ्रो ऑफ द है कि जो हमारा थर्मोडाइनिमिक का जीरो लॉ होता है वो हमारा इस पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है इस पे डिपेंड करता, करता है ठीक है तो जीरो थ्लो ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि वैन ए बॉडी ए इज इन थर्मल इक्लिब्रियम विद बॉडी बी देन द बॉडी बी इज इन थर्मल इक्यूब्रियम विद बॉडी सी ठीक है विथ बॉडी सी दैन दल्सो दैन द बॉडी सी इज इन थर्मल इक्विब्रियम विथ बॉडी ए डैट इज कॉल्ड द जीरो थ्रो ऑफ द थर्मो डायनेमिक्स डेट इज दैट इज लो दैट दैट इज लो थर्मोडाइनेमिक्स ठीक है जीरो थ्रो ऑफ थर्मो डायनेमिक्स ओके समझ में आ गया स्टूडेंट इतना इतना समझ में आ गया जीरो थ्रो क्या होता है अब आप इतना समझ गए हो कि जीरो थ्लो होता क्या है ठीक है थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं कि उसमें ये बॉडी ए बट उसमें लिख देते हैं कि बॉडी ए विद बॉडी बी मतलब विद बॉडी ए विद बॉडी बी विथ बॉडी सी बस उसमें लिखना होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम भी लिखना होता है उसी के साथ हमारा डेफिनेशन सही बैठाता है ठीक है तभी हमारी डेफिनेशन क्या होगी सही होगी अदरवाइज वो हमारी गलत हो जाएगी जब तक हम थर्मल इक्विलिब्रियम उसमें नहीं लिखेंगे हम को क्या पता कि वो किसको इक्विलिब्रियम में कह रहा है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है बट लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है थर्मल है टेम्परेचर से रिलेटेड है तो जीरो थ्रो जो होता है वो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड होता है इसको हम टेम्परेचर लो भी कहते हैं क्या कहते हैं टेम्परेचर लो भी कहते हैं ठीक है तो स्टूडेंट इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे जो टेम्परेचर होता है वो कैसे कैसे होता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है टेम्परेचर लो के बारे में डिस्कस करते हैं अब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है टेंपरेचर क्या होता है टेंपरेचर एक हमारा एक डिग्रीनेस होता है जो हमको बताता है कि कोई बॉडी कितना हॉटनेस और कोल्डनेस है तो टेंपरेचर इज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस जो क्या करता है कोई भी बॉडी मेरी गर्म है या ठंडी है उसके डिग्री को बताता है कि कितना डिग्री गर्म है कितना डिग्री ठंडा है वो हमारा क्या कहलाता है टेंपरेचर कहलाता है और टेम्परेचर हमारा क्या होता है एक मेजरिंग डिवाइस होती है या एक स्केल होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अपने तापमान को मापते हैं टेंपरेचर को मापते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि

टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो टेम्परेचर स्केल होते हैं जिससे हम क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मापते हैं कि कोई बॉडी कितना ठंडा है कितना गर्म है उसको मापने के लिए हम टेम्परेचर स्केल का यूज़ करते हैं तो कितने टाइप के हमारे टेम्परेचर स्केल होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की ठीक है किसकी सेल्सियस स्केल की ठीक है किसकी सेल्सियस स्केल की अब हमारा सेल्सियस स्केल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं या इसको सेंटीग्रेटेड स्केल भी कह देते हैं क्या कहते थे सेंटीग्रेटेड स्केल सेंटीग्रेटेड स्केल ठीक है सेल्सियस स्केल या सेंटिग्रेटेड स्केल तो आप लोगों ने देखा होगा आपका जो टेम्परेचर नाप नापते हो कि जीरो मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस है या ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है थर्टी डिग्री सेल्सियस है तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है वो हमारा क्या होता है इसमें क्या होता है कि हमारा इसमें हम हम मेजर करते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी आइस होती है बर्फ़ होती है वो उसका जो आइस पॉइंट होता है जीरो डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है तो आइस पॉइंट की मैं इसमें बात करूँ कि हमारा किसी भी बॉडी

एक हमारा लोअर पॉइंट फिक्स होता है और एक हमारा अपर पॉइंट फिक्स होता है तो लोअर पॉइंट जो इसमें होता है स्टूडेंट वो रहता है जीरो डिग्री सेल्सियस कि कहने के मतलब कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम अगर वहाँ पे हमारा आइस पॉइंट हो जाता है अगर कोई हमारा पानी है पानी का अगर हमको आइस पॉइंट निकालना है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो होता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है अब मैं बात करूँ किसकी स्टीम पॉइंट की कहने के मतलब मैं पानी को अगर मैं बॉइल कर रहा हूँ उबाल रहा हूँ उसको हीट दे रहा हूँ और हीट देने के बाद उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है स्टीम बनने का वो होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस

कम हो जाएगा तो वहां पे बॉयलिंग पॉइंट भी हमारा कम हो जाएगा ठीक है अगर मान लीजिए आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे माउंटेंस हिल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है आप अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वह माउंटेन्स वगैरह काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं और वहां पर प्रेशर जो होता है हमारा एक बार से कम हो जाता है मान लीजिए पॉइंट या पॉइंट हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पाटर का यहाँ स्टीम पॉइंट का वहां पे अस्सी डिग्री सेल्सियस पे या डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या होता है बॉइल तो है स्टीम पॉइंट होता है ठीक है अगर वहां पर हमारा that 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो वहां पे हमारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिफरेंट डिफरेंट बेस पे डिपेंड करता है जहां पे वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारे प्रेशर पर कि जितना हमारा ज़्यादा प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा अगर हमारा प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा उतना ही कम होगा ठीक है तो कहने का मतलब क्या है पहले हम अपने टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं पहले सेल्सियस स्केल या इस सेंटिग्रेटेड स्केल के द्वारा जिसमें कि हमारी दो वैल्यू होती है एक हमारी लोअर लिमिट होती है एक हमारी अपर लिमिट

दूसरा स्केल आता है इसमें फॉरन हाइट फॉरन हाइट स्केल ठीक है फॉरन हाइट और इसको जो डिनोट करते हैं सेल्सियस स्कोल को इट इज डिनोटेड बाय सी ठीक है डिग्री सेल्सियस ठीक है डिग्री सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं इसको सी से डिनोट करते हैं ठीक है बात करते हैं फॉरन हाइट स्केल की तो स्केल में हमारा जो लोअर पॉइंट और हमारा अपर पॉइंट होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इसमें जो लोअर पॉइंट होता है ठीक है इसमें हमारा जो लोअर पॉइंट होता है बात कर लेते हैं लोअर पॉइंट की कि इसमें जो आइस पॉइंट होता है आइस पॉइंट आइस पॉइंट जो होता है वो थर्टी टू थर्टी टू होता है ठीक है कितना होता है थर्टी टू फॉरन हाइट होता है और यहां पे इसका जो स्टीम पॉइंट होता है इसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो हमारा होता है 212 फ़ारेनहाइट कितना 212 फ़ारेनहाइट ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि जो फारेनहाइट स्केल होता है फारेनहाइट स्केल में जो हमारा लोअर पॉइंट लोअर टेम्परेचर जो होता है कहने मतलब जो हमारा आइस पॉइंट होता है वो होता है थर्टी टू फारेनहाइट हाइट कहने का मतलब क्या है अगर मैं फारेनहाइट स्केल में बात करूं कि हमारी जो बर्फ होगी किस टाइम पर जमती है तो थर्टी टू फारेनहाइट अगर उसका टेम्परेचर होगा उस टाइम पर हमारा बर्फ जो है मतलब वो जम जाएगा मतलब बर्फ जम जाएगी अगर मैं बात करूँ कि हमारा कोई वाटर है बॉइल कर रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर हमारा उसका जो टेम्परेचर होगा वो टू टू मतलब दो 212 फारेनहाइट का होगा उस टाइम पे हमारा जो वाटर होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा या हमारा 212 फारेनहाइट टेम्परेचर पर हमारा जो वाटर होगा वो बॉइल करने लग जाएगा उबलने लग जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है अगर बात करता हूँ सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस सेल्सियस डिग्री की बात करता हूँ या सेंटीग्रेड स्केल की बात करता हूँ तो वहाँ पे मेरा कोई पानी है वाटर है वो किस कब कप... फ्रीज होता है मतलब कब जमता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर और कब बॉइल होता है या स्टीम में कन्वर्ट होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर ठीक है तो बात करूं अगर किसकी फॉरन स्केल की तो फॉरन स्केल जो होता है उसका जो आइस पॉइंट होता है वो थर्टी टू फॉर होता है और उसका जो स्टीम पॉइंट होता है वो हमारे कितना होता है दो सौ बारह होता है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है और इसको जो डिनोटेड करते हैं वो हम एफ से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं एफ से इसको डिनोट किया जाता है ठीक है इसको हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट एफ से इसको डिनोट करते हैं ठीक है थीके? अब हमारा एक और हमारे इसमें टेम्परेचर आता है एक और हमारा स्केल आता है टेम्परेचर स्केल जो उसको हम क्या कहते हैं कैलविन ठीक है कैलविन स्केल कहते हैं क्या कहते हैं कैलविन स्केल कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं इसको कैलविन स्केल ठीक है अगर बात करूँ कैलविन स्केल की तो नेच हमारे जो हम अपने टाइम मतलब अपने यहाँ पर मतलब अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई भी हमारा कोई भी हम किसी में टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कैलविन में उसको कन्वर्ट करके तब तो अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं ठीक है ठीके? तो कैलविन स्केल हम ज्यादातर इतना यूज़ करते हैं कैलविन स्केल को क्या करते हैं ज़्यादातर हम अपना यूज़ करते हैं तो कैलविन स्केल पर हम क्या करते हैं अपने ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं तो कैलविन स्केल क्या होता है ये हमारा लोड कैलविन ने इसको कॉमनली हमको डिफाइन डिजाइन किया था कि एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड कैलविन और उन्होंने ही अपने कैलविन के टेंपरेचर को स्केल को बनाया था ठीक है तो इसमें जो हमारा अगर मैं बात करूँ किसकी लोअर पॉइंट की तो इसका जो लोअर पॉइंट होता है ठीक है अगर मैं इसके बात करूँ आइस पॉइंट की कि हमारा इसमें जो आइस पॉइंट होता है वो कितना होता है और इसका जो बॉइलिंग स्टीम पॉइंट होता है वो हमारा कितना होता है ठीक है तो मैं बात करूं इसमें आइस पॉइंट की कि हमारा जो आइस पॉइंट होता है वो हमारा कितना होता है ठीक है आइस पॉइंट से लेके हमारा कहने का मतलब क्या है कि जिसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा डिफाइन करता है ठीक है जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस से कितना हमारा टेम्परेचर जाता जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है इसका जो एप्सुलेट टेम्परेचर होता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस से जीरो डिग्री सेल्सियस से दो डिग्री सेल्सियस तक इसमें हमारा क्या होता है कैलविन का स्केल का हमारा क्या होता है मेजरमेंट होता है कितना कैलविन का हमारा मेजरमेंट होता है ठीक है तो यहां पे हमारा जो आइस पॉइंट होता है कैलविन स्केल कैल, सॉरी कैलविन स्केल गलत हो गया ये ठीक है तो यहां पे जो हमारा इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है तो इसको हम नापते हैं दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस पे कितने पे दो सौ कैलविन पे दो सौ कैलविन पे तो इसका जो आइस पॉइंट होता है वो हमारा अगर मैं बात करूं जीरो तो इसका, इसका तो होता है वो जीरो मतलब हम यूज करते हैं जीरो सेट टेम्परेचर इस टेकन एस माइनस के टू सेवेंटी थ्री ठीक है 273 Celsius, तो माइनस के टू सेवेंटी थ्री होता है कितना होता है माइनस के टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस से हम इसको मेजरमेंट करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारा इसका जो लोअर

ग्रेट ठीक है यह हमारा एफ क्या फॉरन हाइट है और के क्या है हमारा कैलविन है के क्या स्टूडेंट कैलविन है तो यहाँ पे क्या होता है अगर मुझे किसी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फॉरन में चेंज करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला में ये मैं यूज़ करूंगा अगर मुझको फॉरन को कैलविन में कन्वर्ट करना होता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा या डिग्री सेल्सियस को मुझे कन्वर्ट करना होता है किसमें कैलविन में तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं अगर मान लीजिए कोई भी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है कैलविन में तो मैं क्या करता हूँ उसमें टू सेवेंटी कर देते हैं किसमें टू सेवेंटी उसमें ऐड कर देते हैं जैसे कि हमारा फॉर्मूला है हमारा सो बराबर तो यहाँ पे क्या आएगा के माइनस के टू सेवेंटी थ्री अपॉन हंड्रेड ठीक है तो हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा तो डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस के टू सेवेंटी थ्री तो यहाँ पे के K वैल्यू -K को मुझको निकालना कैलविन में मुझको बदलना है तो क्या होगा सी प्लस दो

Calvin होता है, है? ठीक अगर हम मैं बात करूं इसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो दो होता है क्या होता है दो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो यहाँ पे जैसे कि मैंने हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो इसका दो होता है तो कैलविन स्केल पे हमारा क्या होगा कैलविन स्केल पे कि हमारा जो आइस पॉइंट होता है इसका आइस पॉइंट जो हमारा होता है वो कितना होता है दो डिग्री सेल्सियस पे होता है और दूसरा इसका जो स्टीम पॉइंट होता है कि इस हमारा स्टीम पॉइंट हमारा कितना होता है फिर इसका होता है तीन ठीक है कितना होता है तीन 373 डिग्री सेल्सियस पे तो तीन सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस अगर किसी का टेम्परेचर होता है तो वहां पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हमारा आइस पॉइंट कितना होता है दो सौ तिहत्तर होता है दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस पे वहां पे क्या होता है वो मतलब मतलब वहां पे वो क्या होता है आइस पॉइंट करता है ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने स्केल को मेजरमेंट करते हैं ठीक है थीके? अपने स्केल को क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं तो आपको क्या करना है ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको क्या करना है याद रखना है ठीक है ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है इसी फॉर्मूले इस से आपके न्यूमेरिकल होंगे जिससे क्या होंगे आपके न्यूमेरिकल होंगे ठीक है चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अब बात कर हमने बात करी कि जीरो लो क्या होता है वो टेम्परेचर बेस पे होता है टेम्परेचर के स्केल कौन कौन से होते हैं ठीक है डिग्री सेल्सियस होता है आपका कैलविन होता है फारन हेट होता है तीन टाइप के हमारे स्केल होते हैं जिसपे हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं अब बात करते हैं कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मतलब कितने टाइप के हमारे थर्मोमीटर होते हैं थर्मोमीटर की बात करते हैं कि थर्मोमीटर कौन किस किस टाइप के होते हैं को किस किस टाइप से हम कैसे कैसे अपने थर्मो मतलब टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले अपना लिक्विड थर्मोमीटर की किसकी लिक्विड थर्मोमीटर की तो आप लोगों ने नॉर्मली ये वाला थर्मोमीटर देखा होगा जिसका नाम है लिक्विड थर्मोमीटर ये हमारा क्या होता है इसमें जो हमारा इसमें हमारा क्या होता है इसमें जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है जो यहाँ पे क्या करता है इसके अंदर मेज़र करता है मतलब एक टाइप का हमारा एक फ्लाक्स का एक मतलब इसकी जो बॉडी होती है फ्लाक्स टाइप की होती है एक हमारी ट्यूब टाइप की होती है जो हमारे मतलब ग्लास का होता है और इसके अंदर हमारा लिक्विड फिल होता है क्या होता है लिक्विड होता है अब जो यहाँ पे हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है कहने का मतलब क्या है जो हम इसमें अपना थर्म अपना थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस जो होता है इसके अंदर वो हमारा क्या होता है लिक्विड होता है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि इसमें जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस हमारा क्या क्या होता 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 है होता है होता है है इसमें लिक्विड लिक्विड कहने का मतलब क्या है लिक्विड लिक्विड की सहायता से के से के हेल्प हम इसके अंदर अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर कर सकते मेजर करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारे क्या है ग्लास की वॉल है ये क्या है ग्लास वॉल है ये थिक वोल होती है हमारी ये हमारा स्केल होता है आपको यहां पे स्केल दिख रहा होगा ये इसको तेम्पर... वो उसको क्या कहते हैं टेम्परेचर स्केल कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट टेम्परेचर स्केल कहते हैं ठीक है टेम्परेचर स्केल कहते हैं ओके okay, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका जो हमारा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है वो हमारा क्या होता है लिक्विड होता है कहने का मतलब क्या है थर्मोमीटर के अंदर हमारा लिक्विड फील होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अपना टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो इसमें दो टाइप के लिक्विड होते हैं एक हमारा एल्कोहल होता है दूसरा हमारा मरकरी होती है क्या होता है मरकरी और एल्कोहल इसमें दो टाइप के हम लिक्विड को यूज करते हैं एक मरकरी होता है एक हमारा क्या होता है एल्कोहल होता है जब हम क्या करते हैं कि हमारा इसमें जब हम इसको सेंस करते हैं ये वाला जो पार्ट होता है इसको बल्ब क्या ते हैं क्या कहते हैं बल्ब कहते हैं ठीक है इसको क्या कहते हैं बल्ब कहते हैं जिसमें हमारी मरकरी के जो अमाउंट होता है हो, काफी ज्यादा होता है इसमें क्या होता है मरकरी का जो अमाउंट होता है मरकरी इसमें फिल रहती है तो इसमें क्या करते हैं जब हम इस इस थर्मामीटर को इसको जब किसी को हीट देते हैं कैनिंग मतलब इस बल्ब पे हम क्या करते हैं हीट देते हैं इसको हीट देने से क्या होगा जो मरकरी होगी वो क्या करेगी एक्सपेंड करेगी मरकरी क्या करेगी एक्सपेंड करेगी क्योंकि मरकरी का जो हमारा अपना मरकरी के जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारी काफ़ी कम होती है कैनिंग मतलब कम से कम टेम्परेचर को वो क्या करती है सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है एक्सपेंड करती है क्या करती है एक्सपेंड करती है ठीक है तो मरकरी और वाट इसमें जो अल्कोहल होता है या मान लीजिए आपको इसमें मतलब अल्कोहल टाइप का इसमें एक हमारा सब्सटेंस होता है तो दो तो टाइप के इसमें लिक्विड होते हैं एक हमारा अल्कोहल होता है दूसरा इसमें मरकरी होती है मरकरी एक टाइप का हमारा कोहिसिव हमारा मतलब कोहिसिव लिक्विड होता है जो क्या करता है किसी भी मतलब मरकरी क्या करती है दूसरे सरफेस पे मतलब उसको मतलब अटैच नहीं होती है आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं मरकरी को लेता हूँ तो मरकरी लेने से क्या होगा मरकरी एक लिक्विड टाइप की होती है उसको मैं हाथ में लूंगा और उसको इस वाले हाथ में लूंगा तो मेरे हाथ क्या होगा गीला तो कहने का मतलब क्या मरकरी एक ऐसा हमारा लिक्विड होता है जो हमारा उसके अंदर कोहिसिव प्रॉपर्टी पाए जाती है कोहिसिव प्रॉपर्टी का मतलब वो केवल अपने अणुओं में ही अपने मोलिक्यूल्स में ही क्या करती है अटैच रहती है ना कि दूसरे मोलिक्यूल के साथ कोई भी रिलेशन करता है ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं मरकरी का उपयोग करते हैं इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट मरकरी का उपयोग करते हैं तो व्हेन इट इज एब्सोर्व हीट देन चेंज द वॉल्यूम तो यहाँ पे क्या होता है जब हम इसको हीट देते हैं तो हीट देने से इसका जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है चेंज हो जाता है इट हैज़ यूज लिक्विड एज मर्करी और एल्कोहल इसमें हम क्या करते हैं इसका इसमें जो यूज़ करते हैं लिक्विड और मरकरी का यूज़ करते हैं किसका लिक्विड और मरकरी का इसमें क्या करते हैं यूज़ करते हैं और ये जो ग्लास होता है वो हमारा थर्मोमीटर मरकरी शोधा टेम्परेचर रीडिंग और इस थर्मोमीटर में जो रीडिंग आपको दिख रही है यहाँ पे मरकरी ऊपर की तरफ फिल करती है जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लैक कलर की दिख रही है तो ये क्या करते हैं ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं ऊपर की तरफ फ्लो करने के बाद जहाँ तक इसको टेम्परेचर हीट देते हैं वहाँ पे जाके रुक जाती है और वहाँ पे क्या करते हैं हम उसका टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारा कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है तो मरकरी क्या होता है लो स्पेसिफिक हीट होती है और ये एब्जॉर्व करते हैं लिटल हीट फ्रॉम बॉडी को मतलब कोई भी छोटी से छोटा अगर हमारा कोई भी हीट हो थोड़ा सा भी हीट हो उसको क्या कर लेती है सेंस कर लेती है और सेंस करने के बाद अपना उसमें क्या करते है? करती है एक्सपेंड करती है तो मरकरी की जो स्पेसिफिक हीट होती है बहुत ही लो होती है और मरकरी को जब हम हीट देते हैं वो क्या कर हीट तो देंगे वहां तक वो फ्लो करेगी उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपनी वैल्यू को नोट कर लेते हैं ठीक है ठीके? तो मरकरी एक हमारा क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है मरकरी एक क्या है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है जो क्या करता है हीट को मतलब कंडक्ट कराता है मतलब ट्रांसमिट कराता है ठीक है ट्रांसमिट कराता है तो मर्करी कैन बी सीन इन द फाइन कैपिलरी ट्यूब और मर्करी हैज द कोसी फोर्स डज नॉट वेट वॉल ऑफ द ट्यूब ठीक है अब बात करते हैं जो मर्करी है होती है मर्करी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसको हम देख लेते हैं तो मर्करी की मैं बात करूं तो मर्करी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है मर्करी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ठीक है तो मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा कितना होता है थ्री फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है थ्री फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है तो यहाँ पे जो मरकरी होती है वो एक टाइप की लिक्विड होती है जिसका हमारा क्या होता है लो स्पेसिफिक हीट होती है जो क्या करती है हमारी छोटी से छोटी हीट को एब्जोर्व कर लेती है और एब्जोर्व करने के बाद हमारा थर्मोमीटर के अंदर एक्सपेंड करती है और उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है और दूसरा हमारा क्या भरा उस मतलब ग्लास है तो उसके साथ कोइसिव मतलब जो, जो हमारा मरकरी है वो एक टाइप का क्या है कोइसिव फोर्स रखती है जो उसके पार्टिकल हमारे किसी भी सरफेस पर टच नहीं होते हैं उसको गीला नहीं करते हैं ठीक है और दूसरा इसमें क्या होता है जो हमारी हमारा मरकरी होता है मरकरी का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस के थर्टी नाइन डिग्री सेल्सियस होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है थ्री फिफ्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है कहने का मतलब क्या है कि हम इन दोनों टेम्परेचर के बीच में ही इसको हम यूज़ करेंगे मतलब हम इसको मतलब इससे कम टेम्परेचर और इससे ज्यादा टेम्परेचर कहीं पर सोर्स है वहां पर उसका टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम लिक्विड थर्मोमीटर का उपयोग नहीं करते हैं लिक्विड थर्मोमीटर का उपयोग स्टूडेंट नहीं करते हैं ठीक है तो इतना समझ में आ गया कि लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है वो हमारा लिक्विड थर्मामीटर होता है और उसके अंदर हमारा लिक्विड भरा रहता है और लिक्विड में हमारे दो टाइप के उसमें लिक्विड होते हैं एक मरकरी होता है एक हमारा एल्कोहल होता है और वहाँ पे ये वाला जो आपका बल्ब होता है इसमें हमारा मरकरी की जो क्वांटिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे जब इस वाले सरफेस को हम किसी हीट बॉडी पे टच कराते हैं तो वो क्या करता है ये वाला जो मरकरी होती है उसको हीट ले लेती है और हीट लेने से क्या करती है एक्सपेंड करती है आगे की तरफ बढ़ती है और तब तक जब तक इसको हीट देते रहेंगे तो मरकरी क्या करेगी ऊपर तक की ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी ठीक है जब तक उस दोनों का हीट हमारा क्या ऐसा नहीं हो जाए समान नहीं हो जाए इक्वल नहीं हो जाए ठीक है तो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेश ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो तब हो तब तक होता रहता है जब तक दो बॉडी का हमारा जो टेम्परेचर है जब दोनों का समान ना हो जाए ठीक है दोनों का हमारा जो टेम्परेचर वो कैसा नहीं हो जाए इक्वल ना हो जाए तब तक हीट का हमारा ट्रांसमिशन होता रहता है ठीक है तो इस तरीके से हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है पहला हमारा क्या है हमारा थर्मोमीटर है जिसका नाम है लिक्विड थर्मोमीटर इसमें जो हमारा रजिस्ट हमारा जो थर्मिट इसके अंदर जो हमारा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है वो हमारा लिक्विड भरा होता है जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है जो जिसके द्वारा हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो हमारा क्या होता है लिक्विड होता है तो लिक्विड की सहायता से अपने टेम्परेचर को इसमें क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं ठीक है ठीके? अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट बात करते हैं गैस थर्मोमीटर की किसकी गैस थर्मोमीटर की तो आप लोगों को इसके नाम से पता चला होगा गैस थर्मोमीटर जिसमें हमारा जो हमारा वर्ग मतलब सब्सटेंस होगा जो उसमें थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा गैस होगा वो क्या होगी गैस होगी ठीक है तो गैस के द्वारा हम क्या करते हैं इसमें अपना मतलब अपना टेम, मतलब टेम्परेचर को मेजरमेंट करते क्या करते हैं अपने को मेजरमेंट करते हैं, हैं? हैं ठीक है तो इसमें जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है इसके पॉइंट देख लेते हैं इसका जो थर्मो इसका जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है लिक्विड मतलब गैस होता है

इसको क्या करेंगे यहाँ पे हमारा क्या भरा हुआ है यहाँ पे एक हमारा रिफरेंस लेवल भरा हुआ है इसका एक जहां तक एक लेवल तक तक नॉर्मल कंडीशन रहता है और एक हमारी यूट्यूब मोनोमीटर है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं प्रेशर के द्वारा अपना टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या है एक हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस है जो हमारा एक मोनोमीटर है इसके अंदर हमारी mercury भरी भरी मरकरी भरी हुई है क्या भरी हुई है मरकरी भरी हुई है तो इसमें क्या होगा कि जब हम अपने गैस को अपने गैस को क्या करते हैं हीट करते हैं तो कहने का मतलब जब हम पानी को हीट करते हैं तो वहां पे उसका जो एक्सपेंड करता है पानी उसका वो थोड़ा मतलब उसकी जो वैलिसिटी होती है वो कम होती है लेकिन अगर हम गैस को हीटअप करते हैं गैस को गर्म करते हैं तो गैस गर्म करने में मतलब गैस को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है हीट लेने के बाद एक्सपैंड होती है तो एक्सपेंड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू लिक्विड के थ्रू ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि एक कल एक कंटेनर में मैंने गैस को भर रखा है एक कंटेनर में मैंने लिक्विड को भर रखा है अगर मैं दोनों को समान मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब उसको हीट अप करता हूँ तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो मेरी गैस होगी वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी और जो लिक्विड होगा वो कम एक्सपेंड करेगा तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा गैस थर्मोमीटर होता है गैस थर्मोमीटर में हम हीट देते हैं किसको गैस को और गैस उसको हीट लेके एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करने से वहाँ पे हमारा जो वेरिएशन होता है किसमें मरकरी में वहाँ से हम क्या करते हैं स्केल के द्वारा उसको टेम, मेजर, उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं तो ये वाला जो हमारा गैस थर्मोमीटर होता है वो नॉर्मली हम किसी स्पेसिफिक मेजरमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं कि कहीं पर अगर कोई भी चीज़ हमारी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है जहाँ पर उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है कहने के मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करना होता है तो वहाँ पर हम गैस थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं गैस थर्मोमीटर का जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हमारा गैस होती है जिसमें हम गैस को क्या करते हैं करते हैं, और हीट करने से गैस क्या करती है एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करने से हमारा क्या होगा जो हमारी मरकरी होगी उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा और के कारण हम क्या करेंगे वहाँ पे जो रीडिंग आती है, उसको हम नोट कर लेते हैं ठीक है इसमें जो रीडिंग आती है वो क्या कर लेते हैं उसको नोट कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम गैस को क्या कर रहे हैं हीट अप कर रहे हैं गैस को क्या कर रहे हैं हीट अप कर रहे हैं हीट करने से क्या होगा जो गैस होगी वो एक्सपैंड होगी एक्सपेंड करने से यहाँ पे एक प्रेशर डालेगा प्रेशर डालने से क्या होगा मरकरी हमारी फ्लो करेगी तो यहाँ पे हमारा स्केल लगा होता है यहाँ पे क्या लगा होता है हमारा एक स्केल लगा होता है तो स्केल के द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं अपना टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं क्या करते हैं स्टूडेंट टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं ठीक है तो जब इसमें हम गैस को अप्लाई करते हैं तो गैस हमारी एक्सपैंड हो जाती है और गैस इज मोर सेंसिटिव ओवर द लिक्विड गैस हैज द लो थर्मल कैपेसिटी ओवर द लिक्विड तो गैस जो होती है उसके अंदर हमारी लो थर्मल कैपेसिटी होती है क्या होती है लो थर्मल कैपेसिटी होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड के द्वारा ठीक है लिक्विड के द्वारा इसमें हमारी क्या होती है लो थर्मल कैपेसिटी होती है किसकी गैस की ठीक है और इसमें क्या होता है ये हमारी स्मॉल चेंजिंग डेट कैन बी रिकॉर्डेड अगर इसमें थोड़ा सा भी स्मॉल चेंजिंग होता है उसको हम क्या करते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं ठीक है उसमें क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और दूसरा इट इज़ नॉट यूज इन डेली वर्क हम इसको डेली वर्क में उपयोग नहीं कर सकते हैं इसका हम डेली डेली लाइफ में उप, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे एक हमारा क्या है कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमारी गैस भरी हुई है और इसका कनेक्शन हमारा इधर की साइड में इधर से ट्यूब से हमारा हो रहा है ठीक है और इसके अंदर हमारी मरकरी भरी हुई है इसके द्वारा हम क्या करेंगे अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे इसके द्वारा हम क्या करेंगे को करेंगे को मेजरमेंट ओके स्टूडेंट तो हमारा क्या होगा गैस थर्मोमीटर हो गया अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है इसमें जो हमारा मतलब वर्किंग सब्सटेंस होता है जो इसमें हमारा क्या होता है हमारा थर्मोमीटर होता है तो इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस थर्मोमेट्रिक होता है इसमें हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस मतलब जो सब्सटेंस होता है इसमें सब्सटेंस क्या होता है रेजिस्टेंस होता है क्या होता है रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या रेजिस्टेंस के द्वारा अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करना तो ये जो हमारा आ, मतलब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है इसमें हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस के द्वारा मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसके द्वारा क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो जैसे कि आप लोगों को इसमें एक डायग्राम दिख रहा होगा इस ये जो डायग्राम है हमारा एक क्या है वीट स्टोन सेतु जैसा अपने लोगों ने पढ़ा होगा इलेवंथ ट्वेल्थ में एक वीट स्टोन सेतु होता है इसमें क्या होता है कि हमारे जो चार हमारे रजिस्टेंस होते हैं उन चार रजिस्टेंसों के बीच में हम एक रजिस्टेंस एक अपना अलग से इसमें रजिस्टेंस जोड़ देते हैं और वो जो रजिस्टेंस होता है वो हमारा किसका बना होता है प्लेटिनम का बना होता है प्लेटिनम मैटीरियल का बना होता है प्लेटिनम मैटीरियल का बना होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो इसमें नोन होता है वो प्लेटिनम रजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है कहने का मतलब क्या है यहाँ पे हम क्या करते हैं जो प्लेटिनम रजिस्टेंस होता है उसके रजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं उसके रजिस्टेंस को पता लगाते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं प्लेटिनम रजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं प्लेटिनम रजिस्टेंस थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या करते हैं जो प्लेटिनम रजिस्टेंस है उसके रजिस्टेंस को मेजर करते हैं और उससे अपनी रीडिंग को उसके टेम्परेचर जब उसका रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है उसके द्वारा हम अपने क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं ठीक है थीके? तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हमारा क्या होता है तो इसमें हम दो टाइप के हमारे मटेरियल होते हैं एक कॉपर का वायर होता है दूसरा प्लेटिनम का वायर होता है जैसे कि यहाँ पे हमारे आपको जो ये वाले हमारे रजिस्टेंस दिख रहे हैं ये हमारे कॉपर के वायर के हैं किसके कॉपर वायर के हैं और ये क्या है प्लेटिनम का ये क्या है प्लेटिनम के ये हमारे कॉपर के हैं किसके हैं कॉपर के हैं ठीक है को के हमारे क्या रेजिस्टेंस है जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्हीट स्टोन सेतु होता है वीट स्टोन ब्रिज होता है उसमें क्या करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो उसमें दो जो रजिस्टेंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं मतलब नोन होते हैं उनको पता होता है उनकी वैल्यू कितनी होती है और चारों रजिस्टेंस को हम कॉन्स्टेंट करके रखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट हमारी इधर से मतलब इधर, इधर से इधर फ्लो हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारी करंट हमारे आसानी से फ्लो हो रही है और कुछ करंट यहाँ पे एक हमारा हमारा मतलब अननोन रेजिस्टेंस है जिसको मैंने क्या मान रखा है प्लेटिनम से हमको उसको जोड़ रखा है कि जो प्लेटिनम मटेरियल है उसका हमने एक अननोन रेजिस्टेंस बना रखा है और इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है या टेम्परेचर को मेजर करता है क्या करता है डिटेक्ट करता है या टेम्परेचर के द्वारा मेजरमेंट करता है ठीक है तो टेम्परेचर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए रजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए तो कहने का मतलब है कि जब हम इसमें करंट को फ्लो कराते हैं व्हेन वी आर अप्लाइड द फ्लो इन दिस सर्किट देन द गेलवीटर इज डिटेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ठीक है मतलब करंट को मतलब उसको क्या करता है करंट को अपने अंदर मतलब मेजरमेंट करता है कि कितना करंट में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे अगर गेलवनोमीटर में कुछ भी अगर हम इसमें करंट को फ्लो कर रहे हैं अगर हम इसमें करंट को फ्लो कर रहे हैं अगर गैल्वनोमीटर नहीं करता है डिफ्लेक्शन नहीं करता है तो हम उस कंडीशन में हमारा जो ब्रिज होता है वो एक कैसा होता है में होता है कहने का मतलब क्या होता है उसमें हमारा जो ब्रिज होता है वो एक कैसा है? एक स्टेटिक कंडीशन में होता है अगर करंट हमारे गैल्वनोमीटर में फ्लो होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्रिज है वो अनबैलेंस है कैसा है अनबैलेंस है अगर गैलवीटर में हमारा करंट फ्लो करता है तो उसका मान लीजिए कि हमारा इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रिज है वो कैसा है अनबैलेंस ब्रिज है कैसा है स्टूडेंट अनबैलेंस ब्रिज है तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा थर्मोमेट्रिक प्लेटिनम विद टेम्परेचर होता है प्लेटिनम के टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं और इसका इसमें जो हमारे प्योर प्लेटिनम और इसमें वायर बाउंड इन ए डबल स्पायरल ऑन द माइका प्लेट होती है ठीक है कहने का मतलब क्या है यहाँ पे जो प्लेटिनम का एक हमारा हमारा कॉम्पोनेंट होता है मैटीरियल होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं ठीक है और इसमें कॉपर के हमारे अलग से वायर लगे होते हैं जिनके द्वारा हम टेम्परेचर टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं अब क्या होगा जब इसमें अपना करंट को फ्लो करते हैं और हमारा गैलोन मीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है और गैलोन मीटर डिफ्लेक्शन करने के बाद हम पता लगाते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस में कितना हमारा रेजिस्टेंस मतलब अपने करंट किस में ज़्यादा फ्लो हो रही है कहने का मतलब यहाँ क्या है यहाँ पे हमारी आई करंट आ रही है तो आई करंट आने के बाद यहाँ तो पे आई फ्लो कर रही है यहाँ पे आई फ्लो कर रही है तो आई की वैल्यू हमको पता होगी क्योंकि रजिस्टेंस हमको पता है इधर के रजिस्टेंस हम हमारे अननोन है जिसके द्वारा तो हम क्या करेंगे अपने रजिस्टेंस को पता करेंगे तो आई वैल्यू भी नहीं पता आई टू की वैल्यू हमारी कितनी होगी ठीक है तो उसके द्वारा क्या करेंगे अपने रजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे क्या करेंगे रजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे ठीक है तो इस तरीके तो से क्या करेंगे अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट मेजरमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो तो एंड होते हैं प्लेटिनम का एक वायर एंड कनेक्ट होता है कॉपर लीड से ठीक है और प्लेटिनम का लेड जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है जिसका जो क्या करता है इस जो हमारा प्लेटिनम हमारा मेटेरियल होता है वो उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और जब हमारा टेम्परेचर है होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी हमारा हाई हो जाएगा ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं ओके स्टूडेंट ठीक तो है तो यहां पे हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर क्या आता है थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं इसमें भी अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं बाय द थर्मल के द्वारा करते हैं मतलब इसमें जो हमारी करंट फ्लो होती है वो हमारी मतलब रिप्रेजेंट करती है थर्मी मतलब थर्म थर्मल करंट होती है जिसमें हमारी करंट फ्लो करती है वो कैसे फ्लो करती है थर्मल करंट फ्लो करती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो इसमें जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें दिख रहा होगा एक फ्लास्क है जिसमें मैंने पानी को भर रखा है और उस पानी को मैं क्या कर रहा हूँ हीटअप कर रहा हूँ तो पानी मतलब ऑयल ऑयल ऐसे एक लिक्विड भरा हुआ है तो ऑयल बात है जिसमें मैंने क्या कर रखा है ऑयल को गर्म कर रहा हूँ और एक तरफ मेरा आइस है दूसरी तरफ क्या आइस है ठंडा है ठीक है तो दोनों दो वायर है एक वायर को मैंने ऑयल में डाल रखा है एक वायर को मैंने स्पीस में डाल रखा है आइस में डाल रखा है उसके द्वारा इसमें क्या डिफ्लेक्शन होगा गैलवर में तब हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जब हमारा ऑयल का एक हमारा नेचुरल टेम्परेचर है और आइस का एक हमारा नेचुरल टेम्परेचर है उसके द्वारा जब हम अपना इसमें जब हम इसमें करंट को फ्लो कराते हैं आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई बॉडी हमारी ज्यादा गर्म होती है तो वहां पर उसका रजिस्टेंस भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है ठीक है तो कहने मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आ जाती है और वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं हमारा जो इक्विपमेंट होता है गर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा उसका रेजिस्टेंस भी मार्केट हो जाएगा ज्यादा ज्यादा है तो उसके द्वारा क्या करते हैं हम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करते हैं क्या करते हैं अपनी इलेक्ट्रिस मतलब थर्मो मतलब उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो इसमें जो वर्क होता है वो प्रिंसिपल होता है सी बैक इफेक्ट के तो जो हमारा थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर होता है इस ये जो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो वो करता है सी बैग पर अब सी बैग क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना उसका मतलब उसमें जब करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो करने से उसके क्या होता है वहाँ पे ई एम एफ जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो उसके द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं अब इसमें क्या करते हैं जब हमारा ऑयल का टेम्परेचर हमने बार एक बार इसको मान लीजिए कोई टेम्परेचर हमने सेवेंटी डिग्री सेल्सियस को दे दिया सेवेंटी डिग्री सेल्सियस मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया और इसका एक वायर हमारा किससे हॉट वायर से एक वायर हमारा किससे कोल्ड वायर से तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस करने से कि हमारा कितना इसके इसमें हमारा कितना मतलब इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो टेम्परेचर पर कितना डिपेंड कर रहा है मतलब उसके टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर पर कितना डिपेंड करके हमारा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है गैलवन में वो वहाँ पे क्या करता है वो वहाँ पर डिडेक्ट करता है ठीक है तो गैलवन क्या करता है डिटेक्ट करता है किसको टेम्परेचर को ठीक है तो गैलवन डिटेक्ट करता है किसको टेम्परेचर मतलब एक मतलब आ... मतलब गैलवन डिटेक्ट करता है हमारा करंट को ठीक है और वहां पे हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं कि हमारा कितना इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है कितना इसके अंदर क्या होता है हमारा डिफ्लेक्शन हुआ है ठीक है तो एक हमारा क्या थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं हमें टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर को क्या करते हैं है? मेजरमेंट करते हैं अब यहाँ पे क्या करते हैं इसका एक ग्राफ होता है जो क्या करते हैं ऑयल बाथ और हमारा ई e के बीच में होता है तो एक बार हमने इसको टेम्परेचर से दिया सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तब हमने इसके अंदर मतलब करंट को फ्लो कराया मतलब फिर हमने अपने गैस को देना बंद कर दिया इसका टेम्परेचर सत्तर डिग्री सेल्सियस इसका आइस का टेम्परेचर है तब जब हम इसके अंदर करंट को फ्लो कराया करंट फ्लो कराने के बाद इसके अंदर कितना हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ उसको नोट कर लेते हैं ठीक है नोट कर लिया फिर दोबारा क्या करेंगे इसके टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस करिए तब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तब इसके टेम हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे वेरी करेगा कि उस फिर वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करके वहाँ पे क्या करेंगे अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे तो इस तरीके से थर्मो थर्मोमेट्रिक के द्वारा मतलब थर्मल के द्वारा एक हीट उष्मा के द्वारा हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे ठीक है स्टूडेंट अब बात करते हैं ठीक है इस इस तरीके से हम क्या करेंगे तो थर्मोडाइनेमिक हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे स्केल थे जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से स्केल होते हैं हमारा कैलविन होता है कैल्सियस वो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होता है और एक फॉरन होता है जिनके द्वारा अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है दूसरे हमारे क्या होते हैं हमारे हमारे मतलब टेम्परेचर तेंगे को मेजरमेंट करने की डिवाइस होते हैं जैसे लिक्विड थर्मोमीटर होता है और हमारा गैसेस थर्मोमीटर होता है एक हमारा इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है और दूसरा हमारा थर्मोमैग थर्मोमेट्रिक थर्मोमीटर होता है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू मेजर द टेम्परेचर ये हमारे क्या है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के रेजिस्टेंस है मतलब तो, सॉरी मतलब टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के एक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजर करते हैं ठीक है ठीके? तो अब आगे तरफ देखते हैं एक हमारा क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक छोटा सा नोमेरी है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है क्वेश्चन है एक हमारा क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन डिटरमाइन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ठीक है डिटरमाइन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इन फॉरन हाइट इज इफ द टेम्परेचर इन फॉरन हाइट इज मतलब टेम्परेचर जो दे रखा है फॉरन हाइट में वो हमारा कितना दे रखा है नाइंटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस फॉरन हाइट

फाइंड आउट करना है तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फॉरन फारेनहाइट की वैल्यू दे करेंगे और कैलकुलेशन करके जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएंगी बताइए इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके कितनी वैल्यू आएगी सिक्स पॉइंट नौ में आठ में दो गए सिक्स और नौ में से तीन गए सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन वन एट्टी तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी ये ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस आएगी कितनी थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी डिटरमाइन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इफ़ द टेम्परेचर इन फारेनहाइट एन एट 98.6 डिग्री फारेनहाइट तो कहने का मतलब क्या है कि जब अपने डॉक्टर के पास जाते हो अपना टेम्परेचर मेजरमेंट कराने के लिए तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट पे होता है ठीक है तो उसका कहने का मतलब क्या है कि उतना हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर उतना इतना हमारे अंदर हीट होती है ठीक है अब कहने का मतलब जब हमारा बुखार होता है हमको हमारा टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो टेम्परेचर हो जाता है वह एक 101 फारेनहाइट हो जाता है एक सौ दो हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में बात करूँ तो फारेनहाइट में कितना होता है फॉरन में नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है अब बात करूँ किसमें इसमें कैलविन में अगर बात करूँ हमारा जो डि सैंतीस हमारा क्या आया है सैंतीस डिग्री सेल्सियस आया अगर मैं इसको कैलविन में कन्वर्ट करूँ तो कैलविन में क्या करेंगे सैंतीस प्लस टू सेवेंटी थ्री इसमें ऐड कर देंगे टू सेवेंटी थ्री कर देंगे सात और तीन दस हो जाएगा और ये हो जाएगा आठ और तीन ग्यारह तीन सौ दस, तो, दस तो तीन सौ दस हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है तो तीनों स्कूलों पे हमने मेजरमेंट कर लिया कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अगर वो डिग्री सेल्सियस में होता है तो थर्टी सेवन होता है अगर फारेनहाइट में होता तो 98.6 एट पॉइंट सिक्स फारेनहाइट में होता है अगर कैलविन की बात करें तो कैलविन में होता है तीन सौ दस कैलविन तो आपको ये ध्यान रखना है ठीक है तो इसको कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे उनमें पूछा जाता है तो इस तरीके से हम अपने आज के क्लास को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि आज हमने डिस्कस किया जीरो थ्लो ऑफ थर्ड के बारे में कि जीरो थ्लो क्या होता है उसके बाद हमने स्केल के बारे में डिस्कस किया कि हमारे जो टेम्परेचर का स्केल होता है वो कौन कौन से होते हैं और दूसरा हमने टेम्परेचर मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया कि जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से क्या करेंगे टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे ओके okay, स्टूडेंट आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में जो फर्स्ट श्लो ऑफ द थर्मोडानेमिक्स है उसके अंदर पढ़ेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉस के बारे में स्टडी स्टेट कंडीशन के बारे में ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट